वरुण आलिया की फिल्म के सेट पर सांपों ने डाला है डेरा, फिल्म की शूटिंग टल गई है। निर्देशक अभिषेक वर्मन की फिल्म कलंक की हाल ही में शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित और कुणाल खेमू नजर आएंगे। साथ ही फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त भी काम कर रहे हैं। मंडे को वरुण और आलिया को इस फिल्म के लिए एक इंटेंस सीन शूट करना था। शूटिंग के दौरान फिल्म के क्रू के कुछ मेंबर्स ने देखा कि एक सांप वरुण और आलिया की तरफ बढ़ रहा है। इसके दौरान उस सांप को पकड़कर जंगल ले जाया गया, लेकिन इन सब के चलते शूटिंग आधे घंटे के लिए टल गई। फिल्म के सेट पर एक सूत्र ने बताया कि एक्टर्स 45 दिन की शूटिंग शेड्यूल पर है, यहाँ ऐसे में इनकी सुरक्षा का हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है। सोमवार की सुबह सेट पर हलचल मच गई जब सबको ये पता चला कि सेट पर एक सांप ने डेरा डाल रखा है, क्योंकि ये सांप काफी बड़ा था, इसलिए फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। गौरतलब है कि शाहरुख खान और काजोल की फिल्म माय नेम इज़ खान की शूटिंग के दौरान भी ऐसा हादसा हो चुका है। इत्तेफाक से इस फिल्म के लिए अभिषेक वर्मन ही असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म कलंक एक पीरियड ड्रामा है जिसे फॉक्स स्टार स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शंस और नड़ियादवाला ग्रैंडसन्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी।